तो मैं ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है भैया, लेटेस्ट एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये ड्रामा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन उसके बाद इंटरवल के बाद स्पेशली देखने में आया था कि भाई ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी और लास्ट में आके तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब जो नेक्स्ट इसकी लास्ट एपिसोड होगी उसके अंदर स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में कंक्लूड होने वाली है। आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्स वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का वास फ्लावर या फिर ऐसे में कुछ भी डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। पीके लग्स, वी डोंट सेल क्रैप। लेटेस्ट एपिसोड के कुछ सीन बड़े इंटरेस्टिंग थे, जिसमें खास तौर पे दिखाया जाता है इस बंदे को जब मुक्का पड़ रहा होता है। तो जरा चेक करें। अरे भैया इससे अच्छा तो तू रह नहीं देता। आयरा की मुझे समझ नहीं आती कि अपनी भाभी को कहती है कि 3 दिन में कमरे में बंद रही, बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलना, उसको भी तो पता चले। बंदा पूछे बीबी, उसने तुझे बंद किया था कमरे पे जो तू उस पर इतना गुस्सा निकाल रही है। आयरा की भी ना मुझे समझ नहीं आई वैसे, मतलब बड़ा ही कोई स्टूपिड अजीब किस्म का कैरेक्टर था। खैर लेटेस्ट एपिसोड में वही हुआ जो मैंने आपको बताया था कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ही सामने आएगी, क्योंकि वही एक सॉलिड प्रूफ है जिसके जरिए पता चलेगा कि असल में हुआ क्या। और रेयान को देख लो कि मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतना क्लेवर बंदा इस तरह से ड्रंक होने के बाद भी सारा कुछ उगल सकता है, जो बड़ा कॉन्शियस हो और जिसको पता हो कि अच्छा कैसे चलना है, कैसे चीट करना है। देयर कुड बी सो मेनी अदर वेज के जहां पर इसके मुंह से ना निकाला जाता, इसकी सच्चाई सीसीटीवी कैमरे से ही पता चलती और फिर उसके बाद सब कुछ जो है ना वो ड्रामे के अंदर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्माला ने सबको इकट्ठा किया वहां पर कोई न्यूज देने के लिए, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होता कि जो वीडियो होती सीसीटीवी कैमरे की वो सबको इकट्ठा करके चलाई जाती। लेकिन चले ये भी ठीक था कि यहाँ पर वो उसकी वीडियो भी बना लेती है जहां पर वो एडमिट कर रहा था कि हाँ इस तरह से उसने अटेम्प्ट किया, और फिर कश्माला सबके सामने ये कहती है कि मैंने डिवोर्स लेनी है, और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि उसने मुझे मारा है। रेयान की वो फुटेज सामने आएगी तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो जैद है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ घर आएगा और आकर रेयान पे धावा बोल देगा, अपनी बहन को कहेगा कि तुम्हें इसके साथ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गंदा घटिया इंसान है। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि बहन तो ऑलरेडी मतलब डिवोर्स की डिमांड कर रही है और बड़े बुरे तरीके से बेइज्जत करके यहाँ से निकाला जाएगा। मुबशरा भी बहुत शर्मिंदा होगी कि मतलब ये सब कुछ क्या हो गया, मेरी साई की क्राय खूह में पड़ गई है। मुबशरा को चाहिए था अपने बिहेवियर को मेंटेन रखती, लास्ट में आके फिर वो जो इसका रिवर्ट होने वाला सीन था ना, वही एटीट्यूड वही गुस्सा, ये ना ही होता तो बेहतर था। खैर अब होगा कुछ इस तरीके से कि आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा जैद मियाँ है वो डेफिनेटली आयरा के पीछे जाएगा, उसको मनाने की कोशिश करेगा, कहेगा कि तुम घर वापस आ जाओ, वो डेफिनेटली नहीं आएगी। और पीछे से दिखाया जाएगा कि जो हमारी कश्माला का करेक्टर है, नाउ शी वॉन्ट्स डिवोर्स। लेकिन डिवोर्स के अंदर हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि खासतौर पर जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर डिवोर्स हो नहीं पाती, बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसा सुना है। तो डैट कुड बी रीज़न के फ़ौरन से डिवोर्स ना हो, इसको बड़े यही समझाएं कि ठीक है जब तुम्हारी ये डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तुम डिवोर्स करना। या दूसरी रीज़न जिसके ज़्यादा चांसेस हैं ये भी हो सकता है कि डिवोर्स फ़िलहाल प्रोसीड ना हो, जो रेयान का बाप है वो रिक्वेस्ट करे कि फ़िलहाल अभी डिवोर्स को पोस्टपोन किया जाए, जो भी हमसे गलती हुई तो एटलीस्ट सिर्फ इतनी बात मान ली जाए, और इस चीज़ की शायद मुबशरा भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करे। उसके बाद दिखाया जाएगा कि जो कश्माला है उसका डेफिनेटली आगे से बेबी होगा, इसी घर में वो अपने बेबी को पालेगी। काफ़ी देर तक एक सेपरेशन वाला सीन आपको दिखाया जाएगा, ये लास्ट एपिसोड के सीन में आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। आयरा जो बिल्कुल सेपरेट रहने लग रही थी, ग्रेजुअली उसको इस बात का एहसास होगा, और एहसास उसे कौन दिलाएगा, बेसिकली जो आसिफ अंकल है उसकी बेटी उसको बताएगी कि एटलीस्ट अब आपका चुप रहना नहीं बनता, मेरे साथ जो भी हुआ अगर आप चुप रहोगे तो वो आप मेरे साथ भी ज्यादती करोगे। तो आसिफ अंकल खुद जाएंगे, जाकर आयरा को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस घर में वापस आए, अब वो उसे दिल से अपनी बहू मानता है। मुबशरा को दिखाया जाएगा कि मुबशरा नेक्स्ट एपिसोड में डिवोर्स का कहेगी कि मैंने तुम्हारी नाक में काफ़ी दम करके रखा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं, लेकिन आई थिंक कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि दुनिया का कोई भी शख्स मेरे साथ चले, तो लिहाजा तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो इस पॉइंट पर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आगे से जैद को कहते हुए दिखाया जाएगा कि यादा तुमने एक दफ़ा मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डिवोर्स नहीं देनी, तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो
तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी लास्ट एपिसोड में कि जैद मुबशरा को डिवोर्स नहीं देगा, कश्माला इसी घर में रहते हुए अपने बेबी को ग्रो करेगी, रियान और उसका जो बाप है वो बिल्कुल सेपरेट होंगे, फिलहाल उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अलबत्ता उसका बाप काफ़ी कोशिश करेगा ये मनाने के लिए कि भाई प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दिया जाए। और आयरा शुरू में तो नहीं आती, लेकिन बार बार आसिफ अंकल के इसरार करने पे डेफिनेटली वो वापस इस घर में आएगी। जैद उसको बताएगा कि वो अब इस घर में सेफ है, उसको अच्छे से सब टैकल करेंगे, कश्माला अच्छे से उससे बात करेगी, मुबशरा पहले से भी बेहतर हो चुकी होगी और यहाँ पर ये फैमिली तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जो नहीं परफेक्ट फ़िलहाल वो कश्माला, तो आपको दिखाया जाएगा कि रियान जब उसकी बच्ची हो जाएगी तो फिर वो आएगा और आकर वो इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कश्माला को कि अब उसकी भी एक इज़्ज़त है, बल्कि दो दो इज़्ज़तें हैं, तो उसने अपने आप को चेंज कर लिया है, प्लीज़ उसको माफ़ कर दिया जाए। तो कश्माला बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर सकती है कि वो उसको माफ़ ज़रूर करेगी अगर आयरा उसको माफ़ कर दे। तो भरी महफिल में आपको दिखाया जा सकता है कि आयरा फिर वहाँ पर माफ़ कर दे और कहे कि चूंकि अब सब कुछ ठीक हो गया तो मेरा गुस्सा करना बनता नहीं है, और इस तरह से आपको दिखाया जाएगा कि सारी फैमिली बहुत अच्छे से कंक्लूड करेगी एक हैप्पी एंड की तरफ। भैया बहुत दफ़ा इस ड्रामे के एंड चेंज हुए हैं, बहुत कुछ मुझे लगता था कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन जंजबील मैम जो है ना वो इतनी कमाल की राइटिंग करती हैं कि कुछ भी नहीं पता चल पाता कि एक्चुअली में क्या होगा। एक एपिसोड पहले तक मुझे लग रहा था कि ड्रामे का ट्रेजिक एंड होगा, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा हैप्पी एंड की तरफ जाएगा, क्योंकि देर इज़ नो रीज़न कि यहाँ पर अब सबको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया जाए। मुबशरा की डाइवोर्स हो जाती है तो आप लोग क्या सीखोगे कि मतलब क्या फ़ायदा हुआ इतना चेंज ला कर भी, आयरा ने इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अलग ही होना था तो शुरू में उसकी शादी ना होती, रियान का करेक्टर अगर हमेशा से स्टूपिड ही रहना है तो भैया उसको भी शादी करने की ज़रूरत नहीं थी, और ख़ास तौर पर बाकी सभी जो करेक्टर्स हैं जिसमें सीनियर लोग हैं अपनी दौलत को बचा कर इन्होंने करना क्या, कब्रों में लेके जानी है भैया, चिट्टे बाल आ गए कभी भी मर जाने। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि यही केमिस्ट्री दिखाई जाए कि ड्रामे के लास्ट एपिसोड में सब हंसी खुशी एडजस्ट हो गए हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी मेरे माइंड में आती है कि शायद आयरा को वो अलग ही घर में रखे, आयरा को इस घर में ना लेके आए, उसको कहे कि ठीक है तुम सेपरेट घर में रहना चाहती थी तुम वहीं रहो। मुबशरा जो है वो हर हाल में अपने आप को चेंज कर चुकी होगी, वो इधर ही रहेगी और कश्माला के साथ बाकी सारा एंड वही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में ये मंजरकशी होने वाली है। बाकी ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग था, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्टार्टिंग एपिसोड्स थोड़ी सी बोरिंग थी, जितना पीक पकड़ना चाहिए था वैसा पीक पकड़ा नहीं, ऑल्दो इतना बड़ा ड्रामा एंड हुआ था यहाँ पर वहाज का, और एक्सपेक्ट लोग यही कह रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, वैसा नहीं हुआ। इंटरवल के बाद जाकर ड्रामा बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जहाँ पर मुबशरा का जो करेक्टर है वो अपने अंदर एक विजिबल चेंज लाती है, क्योंकि जब तक ये लड़की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी ड्रामा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। आयरा करेक्टर वॉज अ बिट टॉक्सिक इन दिस ड्रामा, कश्माला वॉज सेल्फिश, बट शुक्र है कि लास्ट में जाके उसने सही बात की। और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, अगर आप मेरे से पूछो तो, आसिफ अंकल की बड़ी क्लासिक एक्टिंग, जो ये करेक्टर था, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो इसकी ड्रेसिंग थी, द वे ही टॉक्ड, दैट वॉज सुपर्ब, इसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। हत्ता के देखो दूसरी तरफ आपको एमजे का फादर भी दिखाया गया, वो ठीक है एक टिपिकल नॉर्मल एक्टिंग कर रहा है, बट जो मज़ा आपको जैद के बाप की एक्टिंग देख के आया होगा आई एम श्योर वो किसी दूसरे करेक्टर की एक्टिंग देख कर नहीं आया होगा। तो मेरा फेवरेट करेक्टर तो भैया ये था, बाकी एमजे वगैरह ये ठीक था सब। ड्रामे के अंदर ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है उसको बड़ा अच्छे से मेंटेन रखा गया कि पाकिस्तान में जो अपर क्लास फैमिलीज हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे उनका उठना बैठना, क्या उनका लाइफस्टाइल, उनका घर, उनकी गाड़ियाँ, ये चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग थी और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो ये वो चीज़ें थी इस ड्रामे की जिनको मैंने पसंद किया। आप लोगों को कैसा लगा भैया मैं ड्रामा कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर इस एंड के अलावा जो मैंने आपको बताया अगर इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड होता है, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली चेंज हो सकता है, लेकिन अगर काफ़ी विजिबल चेंज होगा तो मे बी मैं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के ऊपर भी रिव्यू करूं, बट ओवरऑल दैट वाज अ वेरी गुड जर्नी। रेटिंग अगर आप बात करो तो इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने के बाद अगर तो रिव्यू किया तो रिव्यू में रेटिंग बता दूंगा, या फिर अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा कि 10 आउट ऑफ मैं इस ड्रामे को क्या मार्क्स देता हूँ, जो मैं हमेशा हर ड्रामे को दिया करता हूँ। इसके अलावा भैया अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस करा दी है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।